तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस दीवार पर सीलन आई हुई है, शोरा पूरी तरह से फैला हुआ है। तो इस पर हम लोग ऐसे तो टाइल नहीं लगा सकते, पहले हमें केमिकल लगाना पड़ेगा जो कि शोरे को, सीलन को रोकता है। तो उस केमिकल को लगाने के लिए पहले हम इस दीवार को पूरी तरह से ग्राइंडर से पूरा इसका प्लास्टर और पेंट और जो ये शोरा आया हुआ है इसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कामों में ग्राइंडर का यूज़ ज़्यादा होता है और ग्राइंडर के बैरिंग जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि ग्राइंडर जब हमारा ख़राब हो जाता है तो उसके लिए हमें बैरिंग जो है चेंज करवाने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। ये वीडियो जो है एंगल ग्राइंडर के जो बैरिंग होते हैं उसकी आईडी के बारे में मैंने बताया है इस वीडियो में, कितने बैरिंग होते हैं और इसकी आईडी क्या क्या है, किस बैरिंग की कौन सी आईडी है, ताकि आप आसानी से मार्केट से बैरिंग खरीद के आप अपने एंगल ग्राइंडर में बढ़िया कंपनी के बैरिंग डलवा सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे सर्च किया था एंगल ग्राइंडर के बैरिंग की आईडीज़ के बारे में, तो मुझे तो ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं। उसमें बस बैरिंग चेंज करते हुए वीडियो में दिखाया, ये नहीं दिखाया कि उसमें कौन सी आईडी और टोटल कितने बैरिंग होते हैं, कौन कौन सी आईडी के जो बैरिंग उसमें लगते हैं, तो पूरी जानकारी मुझे नहीं मिली। तो इसीलिए मैंने जो है सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं उस पर, ताकि हम सभी दोस्तों की जब भी हम एंगल ग्राइंडर के बैरिंग चेंज करवाएं तो इस वीडियो से हमें पूरी हेल्प मिल सके। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एंगल ग्राइंडर जो है मैंने ये खोला हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी पावर का है। तो ये 670 वाट का जो एंगल ग्राइंडर है, तो इसके बैरिंग के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा बैरिंग जो है वो उसकी आईडी क्या है। इसके हर एक बैरिंग के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने ये एंगल ग्राइंडर खोला हुआ है पूरा, तो इसके जो कार्बन भी मैंने पहले निकाल दिए थे आर्मिचर निकालने से पहले। तो आर्मिचर में जो होते हैं वो दो बैरिंग होते हैं, एक आगे की तरफ ये जो आप देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने इसका बोल्ट अभी खोला हुआ है, तो इसका जो बोल्ट है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसको आगे से रेती से इसको रगड़ा है और इसकी आगे वाली जो चूड़ियाँ थी वो ख़राब थी, तो दूसरा जो इसका नट था वो इसके ऊपर मैंने चढ़ाया है। तो इसको मैंने रिपेयरिंग के लिए खोला था, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बैरिंग होता है। सबसे ज़्यादा जब हम लोग एंगल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं तो ये वाला बैरिंग सबसे पहले ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला बैरिंग यही होता है। तो अगर ये बैरिंग आपने बढ़िया क्वालिटी का डाल दिया तो आपका जो मशीन जो है आपकी वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, ये ग्राइंडर जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अभी इसकी आईडी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको साफ़ कर लेता हूँ कपड़े से अच्छी तरह से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बैरिंग जो है ये 606 नंबर है, 2RS, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। तो मार्केट में ये आप खरीद सकते हैं, सॉरी 608 है ये, 608 2RS, तो ये आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। NBC कंपनी का बढ़िया है ये, तो फ़िलहाल HCH कंपनी का है, तो इसका तो ज़्यादा लाइफ नहीं होगी, पर लेकिन जो NBC कंपनी का है वो बहुत ही बढ़िया चलेगा, ज़्यादा लाइफ होगी इसकी। ये अभी मैंने नया बैरिंग डाला है इसमें। तो बात करता हूँ इसके दूसरे बैरिंग में, बैरिंग के बारे में। और एक बैरिंग होता है इसका पीछे की तरफ, इसके ऊपर रबड़ लगी होती है, तो इसका भी दिखा देता हूँ ये कौन सा बैरिंग, इसकी आईडी क्या है। इसको एक बार कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ मैं भी।
तो जब भी आपका एंगल ग्राइंडर ख़राब हो तो आप ये वाले बैरिंग खरीद के NBC कंपनी के, तो ये आप डाल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी आईडी क्या है, तो ये है 607 नंबर 2RS। तो ये भी आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो दोनों बैरिंग की मैंने आईडी बता दी। तो ये जो दो बैरिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, एक इसके आगे की तरफ होता है, ठीक है, आर्मेचर की, और ये पीछे की तरफ होता है, ठीक है। ये है 607 नंबर 2RS, और आगे वाला जो मैंने आपको दिखाया तो वो आपने देखा है 608 नंबर 2RS, ठीक है, आगे की तरफ जो बैरिंग होता है। और एक और बैरिंग है इसका, तो ये होता है आगे की तरफ, जो जिसके ऊपर के ये बड़ा बैरिंग होता है, हाई स्पीड बैरिंग बोलते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं इसके आगे की तरफ का है, ये अभी मैंने खोला हुआ है। तो अभी इसका दिखाता हूँ मैं, इसका जो आईडी क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी आईडी जो है 6201 नंबर है TW। ये जो मेन आगे वाला बैरिंग होता है, तो ये 6201 नंबर है इसकी आईडी, 6201-6201-DW। तो ये वाला बैरिंग भी आप बढ़िया कंपनी का ख़रीद सकते हैं। वैसे तो ये जल्दी बैरिंग ख़राब नहीं होता, ये हाई स्पीड बैरिंग होती है। ये जो मेन बैरिंग होते हैं, जैसे मशीन में 6002 नंबर होता है जो मार्बल काटने वाली होती है, तो इस आईडी को आप याद रखना। जब भी आप बैरिंग अगर आप नया लेके आने वाले हैं या चेंज करवाने वाले हैं, तो ये वाला बैरिंग जो 6201 है, तो ये तीन बैरिंग होती हैं मेन। वैसे बैरिंग इसमें एक और छोटा सा होता है, अभी दिखा देता हूँ, लेकिन ये बैरिंग जल्दी तो ख़राब नहीं होता। इसको निडल बैरिंग बोलते हैं। तो इसमें निडल जैसी सुइयों जैसी इसकी गोलियां होती हैं, जैसे गोलियां गोल होती हैं, इसमें लंबी होती हैं। तो ये हैवी लोड लेने वाला बैरिंग होता है। तो इस बैरिंग की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। ये बैरिंग हो गया, ठीक है, 6201, और एक जो मैंने पहले दिखाया 608 2RS का, और उसके बाद में जो इसके पीछे की तरफ रहता है जो, वो है 607 नंबर 2RS। तो इस वीडियो में मैंने यही दिखाना था। बाकी इसको कैसे फिट करते हैं, तो ये नॉर्मली जैसे और ग्राइंडर हम लोग खोलते हैं वैसे ही ये फिट होते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है ये आगे की तरफ, इसमें कुछ भी नहीं खुलता, बाकी सभी चीज़ें सेम है। इसका आर्मेचर भी दूसरे ग्राइंडर से छोटा होता है, जो बड़ा ग्राइंडर होता है नॉर्मली जो 1300-1400 रुपये का होता है, उससे छोटा होता है ये, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था। इस कंपनी के ग्राइंडर के बारे में मैंने आपको बैरिंगों के बारे में बताया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको खोलने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। ये जो 6201 नंबर बैरिंग है, तो इसको कैसे खोला जाता है, तो इसमें जो ये बना होता है, इसमें दो जो है ये छोटा प्लास आपको लेना पड़ेगा, नोज प्लास भी बोलते हैं इसको। तो इसके दोनों जो छेद हैं, इसको दबा के आप इसको बाहर की तरफ कर सकते हैं। तो वैसे मैंने काफ़ी वीडियो में ये निकाल के दिखाया हुआ है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अभी इसको जल्द से जल्दी बंद करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए तो इसको ऐसे ही दबा के आप बाहर निकालोगे तो ये बैरिंग बड़े आराम से बाहर निकल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो बाहर निकालना होता है, इसको
जो है ये इस साइड से ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से चोट मारी थी तो ये जो गरारी होती है इसके ऊपर ये यहाँ पे चढ़ी होती है, तो इसके ऊपर जब आप चोट मारेंगे ना तो ये पीछे की तरफ जो है ये बाहर निकल आएगा, तो बैरिंग इसका इस तरह से चेंज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी इसके ऊपर जब ये लग जाएगा पूरा फिट होने के बाद तो इसको आगे से इसको टाइट कर देना है, इसके बोल्ट जो हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसको जब आप ठोक लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद में ये जो गरारी है ये वाली इसके ऊपर चढ़ानी होती है, ठीक है। तो ये बिना औजार से, बिना ये जो हमारे पास टूल होते हैं इसको बिना उससे टाइट मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा रिस्क होता है। अभी तो मैं फ़िलहाल इसके ऊपर बोल्ट रख के नीचे से चोट मार के इसको फिट करने वाला हूँ, पर लेकिन जितना हो सके इसको जो टूल्स आते हैं इसके जो बांक होती है जिसे हम खोलने के लिए यूज़ करते हैं तो वही यूज़ कीजिए। अभी थोड़ा मैं इसको बंद करने वाला हूँ, तो अभी कंप्लीट मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहता हूँ ये कैसे बंद होगा। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये खोलना मुश्किल होता है, बस ये है कि गरारी जैसे ये फिट हुई होती है तो आगे से जब आप इसको चोट मारेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल आएगा, तो बैरिंग इसका चेंज हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। बाकी ये कोई खोलना ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है,